स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। माननीय सदस्यगण प्लीज प्लीज, माननीय सदस्यगण, भारत महामारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में, एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं। नो नो, गलत तरीका। मान्य सदस्य देख लीजिए, अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए। ये पहले आप क्वेश्चन देने आए, गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य आपका गलत तरीका है, आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का बाहर सदन में मत करिए। आप बात करिए लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से।